इस बाइक का माइलेज बढ़ाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेना, और स्टार्ट करके थोड़ा सा 2 से 3 मिनट पहले इसको गर्म कर लेना, ठीक है। और अब जो है इधर से आरपीएम को बढ़ा लेना है कम से कम 5 से 6 चूड़ी, यानी कि मैक्सिमम आरपीएम समझिए कि 40 पॉइंट हमें बढ़ा लेना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रेस देके गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद जो है अब रेस हम इतना एक्यूरेट बढ़ा लेंगे जितना सा कि ना ज़्यादा हो ना कम हो। और अब इसका माइलेज को हम सेट करेंगे, ठीक है। माइलेज को सेट करने के लिए जो है मैं आपको बता दूँ, पहले हम खोल के देखेंगे इसका आरपीएम। इससे हमारा मतलब धीरे धीरे चूड़ी को खोलेंगे तो उससे क्या होगा, अगर हमारा बढ़ता है तो समझो कि माइलेज हमारा रेस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे समझो हमारा माइलेज बढ़ रहा है। अगर चूड़ी खोलने के बाद अगर रेस घटता है तो समझो हमारा माइलेज भी घट रहा है, ठीक है। तो अब हल्के हल्के खोलना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे जो है हमारा आरपीएम बढ़ रहा है, ठीक है। तो माइलेज बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं तीसरा चूड़ी भी खोलूँगा, पाँचवा खोलूँगा, छठा खोलूँगा, यानी मैं पूरा खोल के दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा जितना खोलते जा रहा हूँ मैं उतना ही जो है हमारा गाड़ी का आरपीएम बढ़ रहा है, यानी रेस हमारा ज़्यादा होते जा रहा है, तो समझो कि माइलेज हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसका सारा चूड़ी अभी बंद करके दिखाऊँगा और फिर खोल के दिखाऊँगा आपको, ठीक है। देखिए सब मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ, आरपीएम हमारा जो है बिल्कुल घट जाएगा बंद करने के बाद। देखिए आरपीएम बिल्कुल मेरा बंद होने लगी गाड़ी, अभी एक चूड़ी खुल दी, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, धीरे धीरे आपको खोलना है। ये नहीं कि एक ही बार 3 चूड़ी खोल दो, 4 चूड़ी खोल दो, ऐसा नहीं खोलना भाई। गाड़ी को देखो कि एक चूड़ी घुमाने के बाद कितनी आरपीएम बढ़ रही है, फिर उसके बाद अब दूसरा चूड़ी हम खोल चुके हैं, अब तीसरा चूड़ी खोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आरपीएम को बढ़ने देना है, फिर तब आप चौथा चूड़ी खोलेंगे। अब चौथा खोल दिए, अब देखते हैं कितना बढ़ता है, उसके बाद फिर आप पाँचवा खोलेंगे। ये हमारा 5 चूड़ी खुल चुका है और अब देखते हैं कितना आरपीएम बढ़ रहा है। अब छठा चूड़ी को भी खोलेंगे, ठीक है। अभी देखिए आरपीएम बढ़ ही रहा है, जहाँ पे हमारा एक्यूरेट आरपीएम एकदम हाईएस्ट हो जाएगा वहीं छोड़ेंगे। ये 8वां चक्कर मेरा लग चुका है, ये 9, ठीक है, यानी कि ये अब 10 11, ठीक है, ये 12, ये 13, ठीक है। तो हमारा जो है 11 के लमसम में सही एक्यूरेट दिखा रहा है, तो हम इसको 11 पे ही छोड़ देंगे। यानी कि आप खुद भी घर में बढ़ा सकते हैं इस तरीके से माइलेज, और आपकी बाइक 70 से 75 की एवरेज देगी, क्योंकि ये प्लेटिना बाइक है और माइलेज काफ़ी अच्छा देती है। और इधर से आप जो है आरपीएम को धीरे धीरे आपको क्या करना है, कम कर लेना है, ठीक है। इतना कम कर लेना है जहाँ की गाड़ी आपका बंद ना हो, ठीक है, उतने पे ही आपको इसका रेस को छोड़ना है आरपीएम को। इसी तरीके से आपको माइलेज सेट करना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब कर ले, इस तरह के मेरे चैनल पे वीडियो आते रहता है, ठीक है। और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से।